नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सीजे ब्लॉक इंडिया। कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, तो आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी दवाई जो पिछले कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज की गई और उसकी मांग इतनी बढ़ गई कि कई लोगों ने तो उसके प्राइस जहाँ 70-80 रुपये होने चाहिए वहाँ 2-2 हज़ार तक कर दिए। लेकिन एक ये भाई है जिन्होंने वो पूरे कोरोना के टाइम में जिनको भी उस दवाई की ज़रूरत पड़ी उसको फ्री दिया। जिनके घर में भी बच्चे या बुजुर्ग बीमार है और जो भी इनके पास पहुंच जाता था इन्होंने बिल्कुल फ्री दिया उस दवाई को। तो आइए दिखाते हैं आज आपको वो दवाई। बस उसके लिए हमको थोड़ा अंदर पहाड़ में जाना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको। और ये देखिए हमारी देसी दवाइयाँ जो कि हमारे पशुओं जानवरों और इंसानों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है, कई बीमारियों में यूज़ की जाती है। देखिए एक है ये दवा और एक है इसके साथ में ये जिसे धतूरा कहा जाता है जो शिव जी की पूजा में भी काम आता है और इससे कई दवाएं भी बनती है। ये देखिए गाय भी यहाँ घूमते रहती है। ये देखिए दोस्तों जंगल में आड़ू जो कि आजकल बाजार में भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हमारे जंगल में इतने लगे हुए हैं, कच्चे हैं अभी वैसे। दोस्तों आ गए हम अभी जंगल में, अभी आगे चलेंगे दिखाएंगे आपको वो दवाई कौन सी है। और यहाँ जंगल में पिछली वीडियो वाला मंदिर भी मिला। तो अब क्या कहेंगे मंदिर के बारे में, कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखिए ये हमारा प्राचीन मंदिर है और हमारे जो हमारे दादा परदादा सब तभी से शुरू से ही इनको पूजते आ रहे हैं। हमारे पितृदेवता यहाँ पे विराजमान है और हमारे यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सारे यहाँ पे विराजमान हैं जिनकी पूजा सारा जग करता है। और हम हर त्यौहार पे होली हो दिवाली हो कोई भी पर्व हो अपने पितरों की सेवा करने के लिए देवी देवताओं की सेवा करने के लिए यहाँ पे हर साल हर दिन आते रहते हैं और यहाँ पे अपना माथा टेक के जाते हैं। और ये देखिए पानी की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे जो गर्मियों में जानवरों के लिए। बीच जंगल में कहीं भी चारा तो बहुत मिल जाता है जानवरों को लेकिन यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए पानी की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों काफ़ी आगे आ गए हम जंगल में, आइए दिखाते हैं आपको कुछ जंगल के व्यू। और यहाँ मिला हमें सांपों का घर जिसमें लगता कई सारे सांप रहते हैं। और लास्ट में पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे जहां के लिए हम निकले थे। Ha ha ha!
तो दोस्तों ये दवाई है वो, जो कि डेंगू में या लंबा किसी को बुखार हो जाए, और कोरोना काल में जो काफ़ी काम आई है लोगों को, और यहाँ से ये मुफ्त लेके जाते हैं, लेकिन मिलता है इतना ही क्योंकि काफ़ी लोग लेके जाते हैं, और ये किसी से कोई कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, फ्री देते हैं, फ्री भी देते हैं। अब जैसे किसी ने मंगाया है तो ये भाई यहाँ से खुद लेके भी जा रहे हैं उन्हें देने के लिए, तो एक सेवा ही है। बाकी कोरोना काल में लोगों ने 2,000-2,000 रुपये किलो भी बेचा था ये दूध। ये बकरी का प्योर दूध है, और पहाड़ों की जंगलों की बकरी है, जो कि कहीं भी कचरा या प्लास्टिक वगैरह नहीं खाती, या जंगल में विचरती हैं और यहाँ की पत्तियों को और पेड़ों को खाती है, तो बिल्कुल शुद्ध और प्योर दूध है जो पहाड़ी बकरी होती है उसका। बकरी तो और भी लोग रखते हैं वैसे, लेकिन वो प्लास्टिक खाती हैं या फिर कोई पार्क की घास है या कुछ ऐसा है, तो उनके दूध में वो पावर नहीं मिलती जो कि यहाँ की पहाड़ की जंगल की बकरियों में। आपने देखा भी होगा यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस शांत माहौल है पूरा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। हम जंगल के करीबन 6 से 7 किलोमीटर अंदर आ गए, और ये भाई जो साथ में, इनका रोज़ रोज़ का आना जाना है, रोज़ दिन में 2 बार आते हैं, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, तभी इनकी सेहत भी बनी रहती है। तो ये है वो दवाई जो कि अनमोल है, लेकिन फिर भी ये भाई ये फ्री देते हैं लोगों को जिसको ज़रूरत होती है, जिनके घर में कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग बीमार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।